नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर नगर क्षेत्र में नो वेंडिंग जोन पर पटरियों पर अतिक्रमण किए दुकानदारों के खिलाफ मंगलवार को अभियान चलाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी पहुंचे और मांग किया कि पटरियों पर दुकान लगाकर जीवन यापन करने वालों को प्रशासन रियायत दे। मंगलवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने नो वेंडिंग जोन पटरियों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। सबसे पहले टीम चर्च चौराहे से नरौली जाने वाले मार्ग पर दोनों पटरियों पर दुकान लगाए दुकानदारों को हटाना शुरू किया तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने दोनों पटरियों से दुकानदारों को हटाया। नायब तहसीलदार नीरज त्रिपाठी ने बताया कि नो वेंडिंग जोन में पटरियों पर कब्जा किए दुकानदारों को हटाया जा रहा है, यह व्यस्ततम मार्ग है। वहीं अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा का कहना था कि पटरियों पर किनारे लगाए दुकानदारों से अतिक्रमण नहीं हो रहा है, बल्कि वाहनों के सड़क पर खड़े होने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इन छोटे दुकानदारों को जबरन उठाया जा रहा है और ये कतई उचित नहीं है। आज एसडीएम साहब के आदेश के अनुपालन में कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर के गिरजा घर सड़क के दोनों तरफ जो भी अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा था, जाम की समस्या हो रही थी, उनको आज हटाए जाने का लिखित कार्यक्रम चलाया गया। आसपास सड़क के दोनों तरफ जो अवैध रूप से पाए गए हैं, चाहे किसी तरह का अतिक्रमण हो, उसको हटाया गया। और क्या दिशा निर्देश दिया गया सर लोगों को? तो दिशा निर्देश ये है कि जो नो वेडिंग जोन है, उसमें ये लोग किसी भी हाल में नहीं रह सकते हैं। जो वेडिंग जोन बनाया जा रहा है, वहाँ पर ये लोग अपना जा करके परमिशन लेकर के अपना विस्थापित करें, इस एरिया में ये लोग नहीं रह सकते। सर, ये अधिक्रमण मान लिए किए हैं, अधिक्रमण तो जो रोड पे गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, अधिक्रमण ई क्या अधिक्रमण किए, कहाँ जाएंगे कमाने खाने के लिए? जब आए तो जो आएगा अधिकारी वो हटाना शुरू कर देगा। सिर्फ फुटपाथ वाले, ठेला वाले, गुमती वाले, ये हर अधिकारी की आँख में गड़ते हैं, यही बेचारे कमजोर आदमी ही गड़ते हैं। उसके लिए क्या आपने बात किया? जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश हो गया कि लोग को जगह जगह दुकान बना के दिया जाएगा, वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, किनारे लोग बेचेंगे, किनारे लोग किए हुए हैं, अब देख कहाँ जाएंगे। 10,000 रुपया लोन दिया गया सारे लोगों को, जितने भी हमारे गुमती वाले, ठेला वाले, फुटपाथ वाले, 10,000 रुपया लोन लिए, 20,000 लोग कहाँ जाएंगे? लोग बताइए कि कहाँ, इन लोग अगर भेज दिया जाए नदी किनारे कौन कहाँ जाएगा बताइए? वहाँ बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास ही लोग जा क्या करेंगे? तो क्या निर्णय लिया गया? अब निर्णय अब अधिकारी का हटाने के लिए, हम कर रहे रहने के लिए, ये लोग आप डीएम साहब से बात किए, डीएम साहब से बात किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाएगा। अरे इन्हीं के बल पे सरकार है आज, यही गरीबों के बल पे ही सरकार बनी है, यही गरीबों के बल पे सरकार बनी है।